याद रखें कि आप अच्छे से प्रोग्रेस करें। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपको अगर थोड़ा सा गैप बचता है तो वो भी आप कवर कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप काफी लोग देखते हैं वो यहाँ पर आके अटक जाते हैं और वो जैसे नीचे जाते हैं वो पीछे गिर जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से देखिए। नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिडल स्पीड सीरीज की एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आप वार्म अप कैसे करेंगे या फिर आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच कैसे करेंगे। अगर आपका भी काफी अच्छा गैप रह गया है तो इसको कम करने के लिए इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा वो सारे पॉइंट जो कि आप मिस कर देते हैं। तो कोशिश करिए वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से समझिए। और ओवरऑल आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफी कम मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनका मिडल स्पीड हो नहीं पाता। तो अगर आप ये मिडल स्पीड का अभ्यास कर रहे हैं, अपने अंदर मोटिवेशन रखें, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी को साथ में रखते रहें। तो कोशिश करें हर एक स्टेप को फॉलो करते रहें और मैं भी चाहूंगा कि आपका मिडल स्पीड जल्दी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप तैयार हैं क्या सीखने के लिए? सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप की। तो आप एक वार्म अप कितना कर रहे हैं? हर एक टेक्निक को आप कम से कम वार्म अप की 15 से 20 बार करें और साथ में अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं टेक्निक से, चाहे वो आपके डायनेमिक हो या फिर स्टैटिक हो, आप कोशिश करें अपनी होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाएं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 10 सेकंड से तो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड तक आपका पूरा फोकस होना चाहिए। काफी लोग इस बात को मिस कर देते हैं कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते तो आप अपने आप को वीकली डिवाइड कर दें। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस अपने वीकली डिवाइड करेंगे तो उसका यह बेनिफिट रहेगा कि आपकी मसल को रिकवरी का भी टाइम मिलेगा। काफी लोग को मैं ऑनलाइन टीच करता हूं तो वो लोग भी काफी मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हैं तो उनको इंप्रूवमेंट भी काफी अच्छा मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इंप्रूवमेंट मिले और वो भी कम समय में, तो इंप्रूवमेंट तो देखो समय के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सही नहीं करेंगे तो समय आपका बढ़ जाएगा और मसल्स में आपको पेन भी होगा। तो मसल रिकवरी के लिए आपको थोड़ा बीच में समय भी देना चाहिए। तो अगर आप हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर हिप ओपनिंग करते हैं, तो जाके आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर प्रॉपर हिप ओपनिंग चाहिए तो मैंने अपने ऐप पे कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने हिप ओपनिंग के, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की जो टेक्निक्स है उनके ऊपर फोकस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एडवांस टेक्निक करेंगे जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी उन टेक्निक्स को जो आपको अच्छे से वार्म अप और मसल्स की स्ट्रेचिंग में हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। तो आपने पहले अपनी अच्छे से नेक की एक्सरसाइज करनी है। लेफ्ट साइड राइट से अपने नेक को ले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हर एक टेक्निक आप प्रॉपर अच्छे से 5 से 10 बार करेंगे। मैं आपको प्रॉपर अच्छे से समझा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको वीडियो के साथ या फिर अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए रोटेशन के साथ इसके टेम्प्स कितनी बार करना है वो सब रखना क्लियर। तो अपने आर्म्स को भी अच्छे से स्विंग करिए, शोल्डर की ओपनिंग भी जरूरी है ताकि आपका बॉडी हर तरफ से वार्म अप हो जाए। अपना पेल्विस भी प्रॉपर रोटेट करेंगे ताकि आपकी पेल्विस रीजन में भी अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन पॉजिटिव रहे। इसको अपोजिट भी करेंगे, 10 सेकंड अपने फ्रंट से फिर 10 सेकंड पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एक पैर को लिफ्ट करें ये वाला भी ताकि आपकी क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स को स्ट्रेचिंग मिले प्रॉपर। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो प्रॉपर आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा और आपकी मसल्स में इंजरी भी हो सकती है। इसके बाद आपने जंपिंग जैक एक्सरसाइज करनी, इससे आपकी मसल्स में काफी अच्छा प्रॉपर सर्कुलेशन जाएगा ब्लड का और आपको भी काफी एक्टिव फील होगा। ऐसे ही आप अपने पैर को भी लिफ्ट करेंगे दोनों साइड से, इस तरीके से अपने अपने पैर को टच करना है। और एक लास्ट टेक्निक और मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस जो कि आपकी रहेगी मसल्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो बेसिक टेक्निक मैं आपको पहले बताता हूं। आपने करना क्या है, ब्लॉक लेना है और ब्रेक की माध्यम से आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। हमारे जो मिडल स्पीड रहता है इसमें आप देख सकते हैं जब आप अपने पैरों को फैलाते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग में काफी अच्छा स्ट्रेच आना चाहिए, हैमस्ट्रिंग खुलनी चाहिए और साथ में आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल या फिर हिप एरेक्टर्स। ब्लॉक को आप इस तरीके से अपनी मैट पर रखेंगे और अपना टो भी इस तरीके से आपने रखना है ब्लॉक के ऊपर। एक पैर आपका पीछे जाएगा, बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे, दोनों एल्बो को अच्छे से होल्ड करके बेंडिंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। इस टेक्निक को कम से कम आप 30 बार करेंगे दोनों पांव से। मैं आपको टेक्निक दिखा देता हूं, घर पे आप प्रॉपर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग काफ मसल्स अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए और प्रॉपर आपका प्रोग्रेस होने लगे। अपनी ब्लॉक को फिर से रखना है जमीन पे और अपना टो और अपना हील प्रॉपर ब्लॉक के साथ अटैच करेंगे। अब दोनों हाथ आपने साइड में रखने हैं, फिर से हमारा टारगेट हैमस्ट्रिंग मसल है तो दोनों लेग को अच्छे से आपने स्ट्रेचिंग देना है हैमस्ट्रिंग को, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे जाएंगे, सांस लेंगे ऊपर आएंगे।
फिर आपने लेग चेंज कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों हाथ साइड में रखा, लंबी गहरी सांस लिया, सांस छोड़ा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स भी आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज में करें ताकि आपकी मसल्स में आपको पेन कम हो। कूल डाउन करना बहुत जरूरी होता है आफ्टर एनी टेक्निक जो कि आपकी मसल्स को काफी स्ट्रेस देती है। ओके, अब आपको एक और बेहतरीन टेक्निक बताता हूं जिसका अभ्यास करके आप अपनी इनर थाइस मसल्स को काफी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, अपना एक पैर अपने हील के ऊपर, हील को अच्छे से ब्लॉक के ऊपर रखना और दूसरा पैर अपने साइड में ले जाना है। अपना हील रखने के बाद, दूसरा पैर इधर रखने के बाद आपने अपने हिप्स को अच्छे से ड्रॉप करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने सामने देखते हुए हिप को प्रॉपर ड्रॉप करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि मेरे को काफी अच्छा स्ट्रेच भी आ रहा है, मैं फील भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको भी आएगा। और जब आपको स्ट्रेच आएगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि किस टेक्निक में आपको कैसा स्ट्रेच आ रहा था। और हाँ, याद रखना है कि आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अगर आप बहुत पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका पोस्चर ऐसा भी हो सकता है, और आराम आराम से करें, ज्यादा नीचे नहीं जाए। फिर आप चाहे तो स्लाइड कर सकते हैं और भी, फिर ऐसे आपने चेंज करना है साइड और अपने दूसरे साइड में अपने ब्लॉक रखने हैं और फिर अपने एक हील को अच्छे से आपने टच कर दिया, फिर लंबी गहरी सांस लिया। दोस्तों याद रखना कि आपकी हिप मसल्स को काफी अच्छे से आपने इंगेज करना है। अगर आप अपनी मसल्स को इंगेज नहीं करेंगे और डायरेक्टली करते जाएंगे बिना किसी इंगेजमेंट के, तो आपको पेन भी हो सकते हैं या फिर आपको अच्छा स्ट्रेच नहीं आएगा। तो आप फील करें कि आपकी मसल्स स्ट्रेच फील कर रही है, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे, फिर रिलैक्स अगेन आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज में कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर ही करें। अपने हिप मसल्स को अच्छे से ओपनिंग करने के लिए हम रोटेशन करेंगे। कैसे हम करेंगे रोटेशन हिप का, दोनों हाथों को अच्छे से मैट पर रखना, लंबी गहरी सांस लेना और इस पैर को आप 90 डिग्री साइड में ले जाएंगे। फिर आपने प्रॉपर रोटेट करने अपने हिप बोन को, इससे आपकी काफी अच्छी मसल्स की स्ट्रेचिंग होने वाली है। ये डायनेमिक टेक्निक है। डायनेमिक टेक्निक का मतलब होता है मतलब एक मूवमेंट में रखना, गतिशीलता। तो कोशिश करें प्रॉपर 360 रोटेट करें। पहले आप ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं, नीचे से नीचे तक, फिर ऊपर ले जा रहे हैं, फिर वैसे ऊपर से आप उल्टा ले जाएंगे नीचे के लिए। और ये आराम से ट्राई करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में आपने ड्यूरेशन रखनी है। ऐसे इस वाले लेग को भी आपने प्रॉपर रोटेट करना है। ये सारी टेक्निक आपको बहुत जल्दी आपके हिप मसल्स में, आपकी स्ट्रेचिंग करने में, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में और स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेंगी। ऐसे फिर इसको उल्टा घुमाएंगे, प्रॉपर रोटेट करेंगे और रिलैक्स आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज में ही करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। आज के इस लास्ट टेक्निक को आप फोकस करें आपकी इनर थाइस मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। ये एडवांस टेक्निक है तो ये सबसे आखिरी में करेंगे। तो कैसे करना है आपने, मैं आपको दिखाता हूं। आपने अपनी हील को इस तरीके से प्रॉपर प्लेस करना है अपनी चेयर के ऊपर। ये वाला जो पांव है इसको ऐसे ही रखना है लेकिन थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देंगे। फिर आप अपने हिप को ड्रॉप करेंगे इस तरीके से और कोशिश करें कि आपका हील जो है वो आपके एज पर है और इनर थाइस को स्ट्रेच करें। चाहे तो अपनी एल्बो को भी प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं और इनर थाइस को स्ट्रेच आपने कर रहे हैं। पहले आप 10 बार इधर करेंगे इस लेग से, फिर 10 बार आपने दूसरे लेग से करना है। तो इसको जब भी आप ट्राई करें तो आप कोशिश करें, अगर आप अपने हाथों को जमीन पर टच नहीं कर पाते तो नॉर्मली आप अपने एक हाथ को नीचे रखें और एक हाथ जमीन पर रखें स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आप रिलैक्स भी बटरफ्लाई एक्सरसाइज में करेंगे। जब आप अपना मिडल स्प्लिट करेंगे तो आप याद रखें कि आप अच्छे से प्रोग्रेस करें। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिससे आपको अगर थोड़ा सा गैप बचता है तो वो भी आप कवर कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप काफी लोग देखते हैं वो यहां पर आके अटक जाते हैं और वो जैसे नीचे जाते हैं वो पीछे गिर जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से देखिए, खड़े होकर ट्राई करें। हाँ, खड़े होकर ट्राई करें, थोड़ा नीचे तक जाएं, एक हाथ आप पीछे रखें फिर आगे के लिए मूव करें। कुछ दिन तक यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें रोकने की और धीरे 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 करके आपका जो मिडल स्प्लिट हो जाएगा तो एक मिडल स्प्लिट का जो प्रॉपर 180 डिग्री स्ट्रेचिंग होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर नमस्ते भी आप प्रॉपर करेंगे। ये आसन का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका मिडल स्प्लिट पूरा हो जाता है तो आपकी हर एक मसल्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी और साथ में ये आपका प्रॉपर हिप में सर्कुलेशन भी करने वाला है आपके ब्लड का, और जो आपके अंदर का जो कंट्रोल है, मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, उसको भी एनहेंस करने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिडल स्प्लिट करने के आपको फिजिकल, मेंटल
और थोड़े बहुत आपके जो ऐसे बेनिफिट जो कि आपको काफी मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आते हैं, तो वो भी आपको काफी हद तक हेल्प होगी अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर ले। जिन लोगों ने भी हमारे इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया हुआ है या पहले कभी किसी वीडियो को प्रैक्टिस किया है अपने हमारी वाली, तो उसमें अगर आपको उस सब प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों अपने सपने को पूरा करने के लिए ये सभी टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। याद रखें कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी सक्सेस का कारण बनेगी और साथ में हर एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। प्रॉपर रिलैक्स और प्रॉपर वार्म अप के बाद ही अपने टेक्निक को प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी मसल्स को काफी हद तक इंजरी ना करें, क्योंकि मसल्स की प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है और ये आपका पहला इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज योगा सीखने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और साथ में अगर कोई टॉपिक आपको सीखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर बेसिक से एडवांस आसन या फिर प्रॉपर हट योग क्लास ज्वाइन करूं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया स्क्रीन पे और कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्साइटेड रहकर सीखने के लिए। नमस्ते।